सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि अभय देओल के साथ काम करने का मौका मिला। कैसा रहा एक्सपीरियंस पूरा? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, मस्त रहा, नाइस। मतलब नया सीखने को मिला, नया देखने को मिला, नया तरीके से काम करने को मिला, तो वेल एंड गुड। अच्छा, इतनी बड़ी फिल्म मिलती है तो जिम्मेदारी भी आपको लगता है कि जिस तरह से आपका अप्रिसिएशन हुआ गाने को लेकर, और इस गाने में सबसे बड़ी बात कि आपके नाम का बोल लिया गया। हाँ जी, वो कैसा लगा? नाम का बोल लिया गया तो ये समझ ले कि एक सपना साकार हुआ, क्योंकि एक नाम पे गाना बनना और एक बायोपिक बनना मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है एक आर्टिस्ट के लिए, तो मेरे लिए बहुत बड़ी और बहुत शॉकिंग और बहुत खुशी की बात थी। अभय देओल को माना जाता है कि वो अलग तरह की फिल्में करते हैं। अच्छा, तो उनसे मिलकर, उनसे बात करके कैसा एक्सपीरियंस था? उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके, क्योंकि वो बहुत बहुत कोऑपरेट करके सामने वाले आर्टिस्ट के साथ काम करते हैं, उसको उनका क्योंकि सभी फैंस ने मुझे इतनी बेस्ट विशेस दी इस गाने के लिए कि मैम के ऊपर गाना है, मैम के ऊपर गाना है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और किसी को मतलब सबको पता था कि ये फिल्म अच्छे से खेलेगा और नाइस, अच्छा लगा मुझे कि मराठी भी स्टार्ट हो गया। कभी पूरी फिल्म करने का इरादा है? हाँ, जल्दी बहुत।